सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो या खबर वायरल होती रहती है और कभी कभार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उस मैसेज का सोर्स क्या है या उसमें कितनी सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप के जरिए किया जा सकता है। अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की ओर से इस मैसेज की जांच की गई है और इसे फर्जी जानकारी बताया गया है। PIB ने बताया कि एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से COVID-19 टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये दावा पूरी तरह से फेक है। कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन केवल कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। वायरल मैसेज में बताया गया है कि बिना किसी ऐप डाउनलोड किए आप वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर को लेकर दावा किया गया है कि ये केंद्र सरकार के कोविन वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेटेड है और इसके जरिए एक बार में 4 लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट बुक किया जा सकता है। फेक मैसेज में आगे बताया गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। पहले आपको एक नंबर पर हाय लिखकर भेजना होगा, फिर नाम, उम्र और आधार या कोई आईडी डालनी है, अस्पताल का पिन कोड डालना है। इसमें बताया गया है कि 45 उम्र से ज्यादा का व्यक्ति इसके योग्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि ये तस्वीर पूरी तरह से फेक है। आप भी इस तरह न फंसें और वैक्सीन सेंटर में जाकर ही वैक्सीन लगवाएं। इस तरह के दूसरे विज्ञापन से भी सावधान रहने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि केवल कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।